आई एम श्योर गाइस आपको नथिंग फोन वन तो याद हो गई होगा। फर्स्ट कंपनी का प्रोडक्ट था, बट व्हेन इट कम्स टू ड्यूरेबिलिटी फ़ोन में काफ़ी इशूज़ थी। इन माई टेस्टिंग में ये फ़ोन जस्ट वन मिनट में ही लिक्विड में फेल हो गया था विद कैजुअल वाटर प्रेशर। आफ्टर दैट बहुत सारी इशूज़ थी, लाइक पैनल में डस्ट घुस रहा है, कैमरे में डस्ट घुस जा रहा है, वॉट नॉट, बहुत सारी कहानी थी। तो कंपनी ने सॉर्ट ऑफ इसको फिक्स किया जब नथिंग फोन टू आया। इम्प्रूव प्राइस, इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, बट स्टिल ड्रॉप में फ़ोन थोड़ा देखे तो आप समझ गए क्या हो सकता है। वेल, अब आ चुका है नथिंग फोन 2A। ये मोस्ट अफोर्डेबल नथिंग फ़ोन है। जिस प्राइस में ये है उस प्राइस के फ़ोन के साथ हिस्ट्रीज बहुत बेकार होती हैं। रिमेंबर IQ, रेडमी, पोको, रियलमी, सारे फ़ोन आजकल कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं फॉर गिविंग दी बेटर स्पेक्स। अब इस फ़ोन में एक मेजर चेंज ये है कि आई एम थिंक यहाँ पे अब ग्लास एंड मेटल जा चुका है। तो लेट्स वेरीफाई गाइस, ये फ़ोन क्वालिटी के स्टैंडर्ड में कहाँ तक निकल जाता है। कंपनी 3 साल का अपडेट दे रही है, क्या ये फ़ोन 3 से 4 साल आपके साथ चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉस्ट कटिंग के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग विद दी ग्लिफ लाइट्स, ये काफ़ी कम की जा चुकी हैं फ्रॉम फोन 1 to फोन 2, नाउ ऑन दी फोन 2A। क्यों ना हम ग्लिफ टाइमर से ही स्टार्ट करते हैं इस बार अपना काउंटर फॉर द 5 मिनट एंड 30 सेकेंड। परफेक्टली वर्किंग फ़ोन, सारी चीज़ें प्रॉपरली काम करी हैं। आई एम श्योर फ़ोन तो पास होना ही चाहिए। इन 3, 2, 1। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली उतना ही वाटर लिया जितना हमने नथिंग फोन 1 में लिया था, बिकॉज सारी कहानी फ़ोन 1 से ही स्टार्ट हुई है। एंड एज यू नो गाइस, मोस्ट ऑफ द बजट फोन्स इस प्राइस में आसानी से बेसिक से स्प्लैश टेस्ट को पास कर लेते हैं। नथिंग इज ए ग्लोबल ब्रांड, यहाँ पे भी हम थोड़ी सी बेटर क्वालिटी ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट करेंगे। लेट्स वेट फॉर दी 5 मिनट, जब तक ये क्लिफ टाइमर कम्प्लीट नहीं होता है। टाइम कंप्लीट हो गया गाइज, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट एंड 30 सेकेंड। लेट्स टेक द फोन आउट, लाइटें जल रही है, पार्टी इनसाइड में हो रही है, लिक्विड में, आई मीन इनसाइड द वाटर, सो फोन भी प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। ग्लिफ लाइट्स अभी भी वर्क कर रही हैं, दैट मीन्स फोन प्रॉपरली ओके है। सो कंपेयर टू नथिंग फोन 1 के काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट हो चुका है टिल फोन 2A में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वाटर प्रोटेक्शन में। बट यस, ये फ़ोन ऑफिशियली वाटर प्रूफ नहीं है, तो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। लिक्विड डैमेज कुछ टाइम लग सकता है होते हुए। बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं कि लिक्विड इनसाइड गया है कि नहीं गया है। तो फिलहाल तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि फ़ोन के इनसाइड में लिक्विड गया है। स्टिल फॉर दी मोर एक्यूरेसी, सिम ट्रे निकाल के चेक कर लेते हैं कि इनसाइड में कुछ है कि नहीं है। गैसकेट प्रोटेक्शन कम्प्लीटली ड्राई है और इवन सिम भी ड्राई है, शायद लिक्विड होना भी चाहिए। स्टिल कुछ फाइन लिक्विड्स के ड्रॉप दिखाई पड़ रहे हैं, यस वो तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड है। एट ए फर्स्ट ग्लांस ऑफकोर्स ये इतना बेटर डिज़ाइन पैनल लग रहा है कि ये आपको ग्लास ही फील होगा। आई थिंक इट्स नॉट ग्लास, इट्स कम्प्लीट प्लास्टिक। विद इन जस्ट 1 डे के यूसेज में इस फ़ोन के एजेस पे काफ़ी ज़्यादा मुझे स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन केस आप ये फ़ोन बाई करते हैं और इवन अगर आप यहाँ पे टेम्पर ग्लास भी लगाते हैं या केस भी यूज़ करते हैं, स्टिल आपके फ़ोन पे बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ते रहेंगे, बिकॉज डस्ट इवेंचुअली इनसाइड सेट जाता है और वो आपके फ़ोन को स्क्रैच करता रहता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन है आपको यहाँ पर कोई स्किन यूज़ करना चाहिए। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। कुछ अदर बेसिक चीज़ें भी ट्राई करते हैं, जैसे कि ये सिम इजेक्टर टूल किट, ये भी आसानी से आपके इस पैनल को स्क्रैच कर सकता है। यहाँ पे भी आपको परमानेंट ऐसे मार्क्स से नज़र आ रहे होंगे,
नो मैटर अगर वो शार्प है या नहीं भी है, लेट्स ट्राई विद द की, इवन अ कार की और होम की जो भी आप अपने पॉकेट में कैरी करेंगे उससे भी इस फ़ोन के पैनल पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। सीरियसली एक बैड डिज़ाइन है, स्लिपरी भी है, और कंपनी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में कस्टमर्स को कितना ज़्यादा रीसेल में प्रॉब्लम हो सकती है, और इवन उनकी डिवाइस काफ़ी जल्दी आउटडेट एंड ओल्ड फील हो सकती है। मूविंग ऑन, फ्रेम भी कम्प्लीटली प्लास्टिक का ही है, बट यहाँ पे थोड़ी सी मैट रबराइज फिनिशिंग दी गई है जो कि ग्रिपिंग में थोड़ी सी आपको बेटर इम्प्लीमेंटेशन देगा। वॉल्यूम बटन्स मेटल के बने हुए एल्युमिनियम के एंड उस पर पेंट जॉब है। पावर बटन भी मेड फ्रॉम द एल्युमिनियम। इस फोन के स्पीकर्स काफ़ी नाइस हैं, नो आयर ब्लास्टर के अदर ब्रांड्स में चीज़ें धीरे धीरे आने लगी हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। नथिंग ने काफ़ी तारीफ की है इस फ़ोन के कैमरे को लेकर। वेल, फोटो से क्वालिटी अच्छी है, फुल रिव्यू चेक कर लीजिएगा, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, बट कैमरा प्लेसमेंट नथिंग ने कहा है कि सेंटर बहुत ही बेस्ट प्लेस होता है। नथिंग ने कुछ नया करके दिखाया है, बट आपको सीरियसली लगता है कि नथिंग ने ही फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें की हैं? लेट्स ट्राई आउट। बहुत सारे फ़ोन हम ट्राई करते हैं फ्रॉम द पास्ट जो शायद 12, 13, 14, 15 साल पुराने भी हो सकते हैं। क्या उनमें कैमरे का प्लेसमेंट वैसा ही है जैसा नथिंग ने क्लेम किया है? सॉरी गाइज, मैं क्वीन विक्टोरिया को लाना भूल गया था। क्या ये नथिंग फ़ोन टुए को स्क्रैच कर सकती है? या ऐसा नहीं जितना कि इंडियन गोदरेज की ने कर दिया था। स्टिल आपके इस बैक पैनल पे स्क्रैचेस तो लगी जा रहे हैं, यानी कि एवरीडे आप इसको कैरी करते हैं तो आसानी से इस पैनल पे स्क्रैच लग जाएंगे। मूविंग बैक, कैमरे की बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक पैनल ही ऊपर लाया गया है। इवन अगर आप केस लगा भी लेंगे तो भी ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है, सो केस लगाने के बाद भी कुछ खास आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। यहाँ पे छोटी सी जो रिंग बनी हुई है वो मेटल की है, जस्ट लाइक द पावर बटन एंड द वॉल्यूम बटन, और उस पर पेंट जॉब है। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद एक ऐसा ईयर पीस खुल का डिज़ाइन दिखाई पड़ रहा है जिसमें मेश क्लियरली विजिबल है। 2023 में मोस्ट ऑफ द फोन्स जो भी आ रहे थे उसमें ये चीज़ विजिबल नहीं होती थी जो मेश कटने की आती है। गुड पार्ट, आपका फोन में एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है। लेट्स फाइंड आउट गाइस यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी दी गई है। आई बिलीव शायद यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया गया है एज सेट बाय द कंपनी और सम वेबसाइट्स, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर, बट जो भी यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है दैट डजंट मैटर। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो आपको वो सुपर सरप्राइजिंग लग सकता है। इस फोन में आपको लेवल 3, 4, 5, 6, 7 एंड बियॉन्ड सभी स्केल्स पे आपको स्क्रैचेस दिखाई पड़ सकते हैं, विच मीन्स एक्सेप्ट प्लास्टिक ऑलमोस्ट एनी शार्प मेटल ऑब्जेक्ट इस डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एल्युमिनियम टू। आई थिंक दैट्स रीज़न यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाई करके दिया गया ताकि बहुत से लोग ये चीज़ें देख ना पाए। ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है अगर आपका डिस्प्ले प्रोलॉन्ग हीटिंग एनवायरनमेंट और यूसेज में रहता है। नथिंग फोन 2 में आप सॉर्ट ऑफ देख सकते हैं, आई बिलीव 10-11 सेकेंड में ही काफ़ी डीप सा बर्न मार्क है, और ये ऑलवेज है। इसी फ़ोन को यूज़ करते हैं फॉर द टाइमर एंड देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इन जस्ट 6 सेकेंड्स में डिस्प्ले में बर्न मार्क तो आ गया था, बट आई थिंक वो काइंड ऑफ रिकवर हो गया है। एक छोटा सा यहाँ पे टाइनी सा रह गया है कंपेयर टू नथिंग फोन 2 के, एटलीस्ट इस टर्म्स में तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव दिखाई पड़ रहा है। नथिंग के ओनली 3 ही स्मार्टफोन आए हैं इंक्लूडिंग 2A, और कोई भी फोन आज तक बेंड टेस्ट में फेल नहीं हुआ है बिकॉज उन दोनों फ़ोन में मेटल का फ्रेम यूज़ किया गया था। प्लास्टिक फोन्स के साथ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, बट चूँकि यहाँ पे कंप्लीट फ्लैट फ्रेम है तो शायद ये फ़ोन बच सकता है। स्टिल फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बंद करते हैं इन 3, 2, 1।
फ़ोन में सुपर एक्सट्रीम वियर्ड तो आया था फ्लैक्स बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आफ्टर द सुपर एक्सट्रीम फ्लैक्स रियर साइड से बैंड करते हैं गाइस एंड देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। इन 3, 2, 1 काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर लगाने के बाद भी फ़ोन बेंड में फेल नहीं हो रहा है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे फ्लैट फ्रेम यूज़ किया गया है और उसमें जो गैप्स हैं बटन्स में एंड विद द एजेस वो थोड़े से ज़्यादा हैं, जो डेफिनेटली इस फ़ोन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को थोड़ी सी हेल्प कर रही हैं और फ़ोन बेंड में फेल नहीं हो पा रहा है। बट एक्सट्रीम सिचुएशन में डेफिनेटली फ़ोन फेल हो सकता है। सो या गाइस, दैट्स इट विद द नथिंग फ़ोन 2A। काफ़ी मेजर कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई पड़ रहे हैं, स्पेशली बैक पैनल एंड दी डिस्प्ले साइड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऑन दी ड्यूरेबिलिटी स्कोर, डेफिनेटली इस फ़ोन को हम 10 में से 6 ही देंगे, बिकॉज ये चीज़ें सुपर इंपॉर्टेंट होती हैं, डिस्प्ले एंड दी बैक पैनल, जो कि ऑलवेज ही फ़ोन का मेजर पार्ट होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर दी मेगा टॉप टेस्ट, बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाले हैं फॉर दी 2A। सी यू वेरी सून।